हैप्पी बर्थडे है याम फातिमा, सदके कुर्बान जाऊ मेरा मिट्टू बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो 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 चलो, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। या फातिमा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या फातिमा जो है एक साल की माशाल्लाह आज हो गई है, आ जाइए या फातिमा की बर्थडे। नो ले लो ले लो। और आप देखें जी, याम फातिमा माशाल्लाह बहुत ही क्यूट सी गुड्डी सी लग रही है। मैंने सोचा सबसे पहले आपको इसकी ड्रेसिंग दिखाते हैं। ये वाला फ्रॉक, शूज, हेड बैंड और ये सब चीज़ें जो है ना हयाम की फर्स्ट बर्थडे के लिए ली हैं मामा बाबा ने। आप सबने हयाम फातिमा को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना है, क्योंकि अभी सारी फैमिली भी इधर नहीं है और कुछ जो है अयाम हुसैन भी चल रहे हैं। रबीउल अव्वल में हयाम फातिमा की बहुत ग्रैंड सी बर्थडे करनी है, हकीका साथ करेंगे इंशाल्लाह। जब कशान हुसैन सारी फैमिली स्पेन से आएगी तब जो है फंक्शन एक बड़ा अच्छा सा अरेंज करेंगे, क्योंकि अभी फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा सेलिब्रेशन इसी तरह की करते हैं, याम को गिफ्ट्स लेके देते हैं इसकी फर्स्ट बर्थडे, थोड़ा सा डॉल डक करते हैं डॉल को। तो माशाल्लाह याम को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, इसे नजरे बद से बचाए। अच्छा चलो बैठ बैठ बैठ। वाह ले जी, याम फातिमा बैठ गई हैं, अपनी जीजियों के साथ खेल रही हैं और याम फातिमा को मिले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत सारे गिफ्ट। मैं कहीं बैठने लगी हूँ, मैं तो कहीं जा रही हूँ। हयाम को लेके जाएंगे प्ले लैंड और जाएंगे डिनर पे, लेकिन वो आज नहीं करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा हमारा प्लान है कि 1 वीक तक करेंगे। अस्मा और हयाम को लेके जाएंगे कहीं सैर सूर कराने भी। अभी हयाम फातिमा खेलेगी आज जी, अभी आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, क्योंकि हमने सोचा है अभी सेलिब्रेशन तो करनी है हमने रबीउल अव्वल में, क्योंकि हम एक ग्रैंड फंक्शन करेंगे इसका, लेकिन वो होगा रबीउल अव्वल में, अभी सफ़र का महीना है तो। लेकिन हयाम फातिमा को गिफ्ट्स माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे मिले हैं। ये देखें जनाब, इसकी बास्केट देखें। रात को हमने हयाम को 12 बजे सरप्राइज़ दिया था इसके सिर्फ गिफ्ट्स के साथ, केक वगैरह हमने नहीं काटा। अभी हमने गुडी बैग भी बनाने हैं, हयाम फातिमा के गुडी बैग्स हम बना रहे हैं, उसमें हम कपकेक डालेंगे, चिप्स डालेंगे, कैंडीज डालेंगे, डेरी मिल्क डालेंगे। और इसके गुडी बैग्स की आप पैकिंग देखें, ये हमने हयाम की तरफ से जो है ना बाहर जो है ना बच्चे उनमें बांटना है, ये सारे जो है ना पैक्स ये पड़े हुए हैं। ये देखें, हर पैकेट में कपकेक डालेंगे, चिप्स डालेंगे और उसके बाद कैंडीज और चॉकलेट डाल के बाहर जितने बच्चे होंगे उन्हें हयाम फातिमा की तरफ से ये आज हम गिफ्ट देंगे। और अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मानो कि गिरना है ना मेरा बेटा। अच्छा जी, हयाम फातिमा को गिफ्ट्स जो मिले हैं, हयाम की दादी अम्मा भी आएंगी रबीउल अव्वल में हयाम को विश करने के लिए, क्योंकि सफ़र के महीने में भी इस तरह का कुछ नहीं किया। लेकिन स्पेन से सब लोगों ने पैसे भेजे थे, अम्मी ने, काशान ने, नैना ने और मैंने और जफ़र ने यहाँ से, तो हम सब ने मिल के जो है ना हयाम फातिमा के लिए हैं गिफ्ट्स। तो ये बारी बारी जो सारे गिफ्ट्स हैं ना वो मैं खोल के दिखाऊँगी आपको। चलिए जी, सबसे पहले अम्मी अब्बू के गिफ्ट से शुरू कर लेते हैं। तो माशाल्लाह सबसे पहले जी, ये ब्यूटीफुल सी जो चेन और पेंडेंट है ना, ये अम्मी अब्बू ने यानी कि हयाम के नाना नानी ने हयाम फातिमा को गिफ्ट दी है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। ये हयाम जब बड़ी होगी माशाल्लाह माशाल्लाह जब हमें होगा कि ये इसको सेफली कैरी कर सकती है तब इसको देंगे। मैंने मना किया था लेकिन सबने कहा वो देख रही है। हाँ ये देखो कैची है, बहुत भारी है, बहुत भारी। रबीउल अव्वल में पहनाएंगे जी गोल्ड भी हयाम फातिमा को। ये जी नाना नानी ने दी है चेन, उसके बाद जनाब इधर आ जाए तो ये वाला जो है ना, ये देखें जी, मानो गिरना जाना इसमें बटे देखना। ये वाला जी गोल्ड का ब्रेसलेट बनवा के दिया है याली हयाम के मामू और मामी ने, काशान और कोमल की तरफ से ये गोल्ड का ब्रेसलेट है हयाम फातिमा का। और क्योंकि मैंने सबने स्पेशल गिफ्ट्स तो सारे स्पेशल होते हैं, लेकिन सबने कहा जी क्योंकि हमारी बेटी की फर्स्ट बर्थडे है और ये है कि हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये जो है ना हयाम फातिमा को बालियाँ बनवा के दी हैं हयाम की खाला और खालू ने यानी कि नैना और हनी ने। ये देखें, यहाँ से एक डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक हो गया जी।
ये है जी यहाँ फातिमा की बालियाँ, और इसके आप लकड़ी देखें कितनी, वो देख कैसे वो देखिए हयाम अपने गिफ्ट्स को एंजॉय कर रही है। उसके अलावा जो है जनाब, मैंने और ये तो गिफ्ट्स हो गए मामू मामी का, खाला खालू का और नाना नानी का, जो हयाम ड्रेस पहन के बैठी है, शूज और ये भी मैंने और जफर ने लेके दी। हमने सोचा अब गोल्ड के गिफ्ट्स इतने हो गए हैं हयाम के, तो हम इसको जो है ना कुछ और लेके देते हैं। और एक साथ हमने ये जरूर किया कि सबने पैसे भेजे थे, हम सब ने पैसे मिला के तो अस्मा को भी जो है ना हयाम जैसी बालियाँ लेके दी हैं। तो ये जी अस्मा की बालियाँ, अस्मा के कान छिदे हुए हैं, ये तो पहन लेगी तो, लेकिन हयाम फातिमा जो है ब्रेसलेट सिर्फ इसे रबी लेवल में पहनाएंगे, कान छिदे हुए नहीं है अभी, कान जब हम छिदवाएंगे तब, और चेन शेन जब ये बड़ी होगी, अब ये चीज़ें चलें गोल्ड बन जाता है काम आगे बेटियों के आता रहता है तो आ जाएंगे। अच्छा जी अब आए हैं जी जफर और मेरे गिफ्ट्स की बारी, और ये देखिए हमने लिया है हयाम फातिमा के लिए, क्यूट काका जबर इसका मुंह देंगे। हयाम फातिमा ये लो आपका गिफ्ट, क्योंकि हयाम ने भी अभी अपनी बास्केट नहीं देखी है। मैं सदके जाऊँ कितने प्यार से देख सदके जाऊँ, उसको प्यार कर रही है। अच्छा जी उसके बाद जनाब काफ़ी सारी है हयाम फातिमा की भी, इसके अंदर हैं जी चॉकलेट्स वगैरह, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हयाम फातिमा के लिए हम लोगों ने लिया है जनाब एक अदद और फेरी फ्रॉक, ये भी बहुत ही क्यूट है। ये कैसे लग रहा है आपको, कैसे है, बहुत प्यारा है ये, मैं सद के जाऊँ से कितना अच्छा लग रहा है। चलें जी ये अभी हम बाद में पैक करेंगे, इसकी भी माशाल्लाह बहुत क्यूट। अभी काफ़ी सारी हयाम की शॉपिंग करनी है क्योंकि अब विंटर्स आ रही हैं। एक ये फिर शर्ट ली है हयाम के लिए, एक ये जो है ना ये खोल के दिखाती है, ये वाली शर्ट एक ली इसकी येलो सी ना बड़ी क्यूट सी, हर चीज़ कितनी शौक से दे। हाँ जी हाँ ये कितनी प्यारी है मेरी बेटी की शर्ट। हाँ हाँ अच्छा जी माशाल्लाह हयाम को गिफ्ट में काका भी खोल के दो इसका इसको। तो जी थैंक यू सो मच अम्मी अबू शान नैना कोमल हनी जफर हिना सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने सब ने गिफ्ट्स वगैरह हयाम को दिए हैं। केक काटेंगे इंशाल्लाह काशान के आने पे, या सब फैमिली आती है, देखें कौन कौन आता है, रबी लेवल में सारी सेलिब्रेशन होगी, केक भी काटेंगे आप सबके साथ। इन्हें अभी अस्मा और हयाम को प्लेलैंड लेके जाना है, डिनर कराएंगे, लेकिन वो आने वाले कुछ दिनों में अभी करेंगे, वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अभी फिर मैंने और जफर ने सोचा गिफ्ट्स तो मिल गए हैं, हयाम की दादी अम्मा भी आएंगी रबी लेवल में इंशाल्लाह इसे विश करने के लिए, तो अभी जो है बस घर घर में हमने ना सोचा कि नहीं, चाहे हयाम की फर्स्ट बर्थडे या फिर हमने बास्केट बड़ी क्यूट सी रैप कराई, सारी बास्केट को सेट किया। अब ये सब चीज़ें जो है ना हम लोगों ने ये देखें बुढ़ी बैग, चलिए मैं एक ना आपको बना के भी दिखाती हूँ कैसे हम बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कैंडीज, ये चली गई कैंडीज, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चॉकलेट, और इसके साथ इसमें अब कपकेक आएगा, चिप्स जो है ना वो फिर हम अलहदा एक पैकेट में डाल के ना, तो बाहर जो बच्चे हैं ना हयाम फातिमा से बंटवा के आएंगे। आज हयाम का सदका भी माशाल्लाह बहुत सारा दिया, हयाम की हमने नज़र भी उतारी, और ये गुडी बैग इस तरह से बनेगा, ये देखें, ये मैंने पैकेट्स तो ऑनलाइन ही लिए थे, ये देखें ये इस तरीके से बन जाएगा, सही है मानो, ये देखो ये आपने दे के आने हैं सबको बाहर, सही है हाँ जी ये ठीक है, चलो कह रही है ठीक है। अब अपना काका तो दिखाओ सबको, सबको दिखाओ ये काका दिखाओ अपना प्यारा सा सदके जाओ उसे कितना प्यार कर रही है। तो जी सबकी तरफ से आपने गिफ्ट्स देख ली हैं, अभी गोल्ड की चीज़ें हयाम फातिमा को बिल्कुल नहीं पहनाएंगे, सबकी ज़िद थी तो ले ली हैं चीज़ें, क्योंकि पैसे आए थे ये बन्नी दे आए थे, तो अभी जो है हयाम की हयाम के लिए आपने बहुत सारी दुआएँ करनी है कि अल्लाह ताला हयाम को ज़िंदगी से दे अच्छी लाइफ और अच्छी बच्ची बनाए और माँ बाप की फरमा बरदार बनाए और अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी दराज करे, क्योंकि बेटियाँ आपको पता है बहुत प्यारी होती हैं, इसके नसीबों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करने के अल्लाह ताला मैं हयाम फातिमा के जो है नसीब अच्छे करे। और आप सब ने बताना है हयाम फातिमा का ड्रेस आपको कैसा लगा, आपको गिफ्ट कैसे लगे। अभी बस हम लोग क्योंकि जफर आज ऑफिस से बहुत लेट आए हैं, अभी बस ये सारे गुड्डी बैग्स बनाएंगे, हयाम को लेके जाएंगे बाहर बांटेंगे, कुछ पैसे वगैरह हैं साथ वो रखेंगे, इसके साथ वो बांटेंगे। तो बस आप सब ने हम सबको हयाम फातिमा को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है, और हयाम फातिमा आप सबको भी हेलो कर दो, अस्सलाम वालेकुम कर दो, फीडर निकला पड़ा है काके का, हाँ अस्सलाम वालेकुम कर दो। अच्छा जूतों की वजह से चल नहीं रही है, कोशिश करें कि थोड़ा चले फिर। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, स्पेशली हयाम फातिमा के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बस वो अपनी चीजों में मस्त हुई पड़ी। अच्छा वो फीडर उसका पी रही है वो काटे का।
है।